हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा एंड आई एम अस्कर अली। दोस्तों, आज जो फोन आपके लिए लेकर आए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग फोन, रियलमी सी टू। तो देखेंगे इस फोन में क्या है, इस फोन में नया खास क्या, इस फोन में बॉक्स कॉन्टेंट्स। तो देखते हैं ये फोन आपके लिए अच्छा रहेगा या नहीं, क्या ये फोन आपको बाय करना चाहिए या नहीं, तो डिटेल से बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो वीडियो कंप्लीटली देखिएगा, अगर चैनल आपने नहीं किया सब्सक्राइब तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिलती रहेगी। सो न्यू फोन के साथ करते हैं स्टार्ट। जी दोस्तों, तो ये आपके सामने रियलमी सी टू का बॉक्स, तो ये आप देख सकते हैं ग्रे येलो का जो मैशअप है बॉक्स पर, ये हमेशा से भी आ रहा है। तो यहाँ पर कुछ खास मेंशन नहीं किया गया। सेट पर देखते हैं, 3GB रैम मिलेगी इस फोन में एंड 32GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। कलर हमारे पास अवेलेबल है डायमंड ब्लैक कलर, इसके अलावा डायमंड ब्लू कलर भी मिलता है। बिना टाइम वेस्ट किए बॉक्स को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर अगर प्राइस की बात कर ली जाए तो पाकिस्तान में इस फोन की प्राइस लॉन्च की गई है 21,000 ऑफिशियल प्राइस है, डिस्काउंट करके आपको थोड़ा कम ही मिल जाएगा ये फोन। इंडिया में इस फोन की प्राइस रखी गई है 6,000 रुपीज, यहाँ पर फिर भी ज्यादा रख दी गई है दोस्तों। तो इस हिसाब से इस फोन की प्राइस अगर टैक्स मिलाकर भी 15,000 होनी चाहिए थी। तो बॉक्स को हमने तकरीबन ओपन कर ही लिया है, फोन की हम बात करेंगे बाद में, देखेंगे बॉक्स कंटेंट्स क्या हैं। तो बॉक्स कंटेंट्स में आपको कुछ खास नजर नहीं आएगा, सिमिलर डाटा टूल मिलेगी एंड थोड़ी सी बुकलेट्स मिल जाएंगी हमें। टीपीयू केस या कोई भी केस यहाँ पर नहीं मिलता, रियलमी वालों ने कहा कि भाई खुद ही ले लेंगे, हम क्यों दें। चार्जर इस फोन का देख लेते हैं, चार्जर इस फोन में 2A 5V का मिल जाता है, 10W का चार्जर दिया गया है। फास्ट चार्जर तो नहीं है लेकिन बेहतर चार्ज होगा। चार्जिंग केबल इस फोन में मिल जाती है, माइक्रो USB तो सी टाइप तो डेफिनेटली नहीं मिलने वाली। जल्दी से समेट लेते हैं सब चीजों को, बात करते हैं डायरेक्टली फोन की। फ़ोन यहाँ पर देख सकते हैं आप, फ़ोन का लुक जो देख सकते हैं बैक साइड पर, तो लुक वाइज तो फ़ोन अच्छा लग रहा है। यहाँ पर एक देख सकते हैं डिज़ाइन जो दिया गया है, डायमंड कट डिज़ाइन दिया गया है, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। बैक साइड पर शाइन आपको नहीं मिलेगी इस फ़ोन में, तो ये काफ़ी अच्छी फिनिशिंग की गई है। डिज़ाइनिंग लाइनिंग देख सकते हैं फोन में, बैक साइड पर पॉलीकार्बोनेट यूज़ किया गया है प्लास्टिक। बैक कैमरा इस फ़ोन का मिलेगा हमें ड्यूअल कैमरा सेटअप, 13+2 MP का। फर्स्ट कैमरा का अपर्चर मिलेगा 2.2 एंड सेकंड कैमरा का मिलेगा डेप्थ सेंसर के लिए 2.4 अपर्चर। LED फ्लैश भी मिल जाता है इस फोन में, फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को नहीं मिलता जो कि होना चाहिए था इसमें। Realme की ब्रांडिंग देख सकते हैं बैक साइड पर, यहीं कहीं 4000mAh की बड़ी बैटरी भी मिल जाती है, ये काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है। फोन के ओवरव्यू की बात करते हैं तो राइट साइड पर पावर लॉक अनलॉक बटन मिल जाता है, ऊपर की तरफ इस फोन में कुछ नहीं मिलता। लेफ्ट साइड पर देखते हैं सिम ट्रे हमें मिलती है 3 स्लॉट वाली, यहाँ पर एक ही वक्त में ड्यूअल सिम एंड प्लस में SD कार्ड यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद वॉल्यूम की रॉकर आप देख सकते हैं अपन डाउन लेफ्ट साइड पर ही। डाउन साइड पर इस फोन में 3.5mm का ऑडियो जैक मिल जाता है, चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है, माइक मिल जाता है एंड स्पीकर ग्रिल। फोन को हमने कम्प्लीटली सेटअप कर लिया। यहाँ पर अगर बात करें फ्रंट लुक की, डिस्प्ले यहाँ पर वाटर ड्रॉप नॉच मिलती है, यहाँ पर काफ़ी अच्छा डिस्प्ले लग रहा है, तो हर फोन में यही डिस्प्ले हमें देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर फ्रंट कैमरा नॉच में देख सकते हैं 5 MP का मिलता है। दोस्तों, 8 MP का कम से कम इस प्राइस रेंज में कैमरा होना चाहिए, तो यहाँ पर भी रियलमी ने अच्छा नहीं किया। यहाँ पर एयर स्पीकर आप देख सकते हैं। फ्रंट डिस्प्ले की बात करें, 6.1 इंचेस का डिस्प्ले मिलेगा IPS LCD के साथ। कलर वाइज यह फोन काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। प्रोटेक्शन की अगर बात कर लें तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलेगा, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, प्रोटेक्शन ज़रूरी होनी चाहिए फ़ोन में। सॉफ्टवेयर की बात करें, ये फ़ोन आता है एंड्रॉयड 9.0 पाई के साथ एंड फोन रन करेगा कलर OS 6 के साथ। बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर दिया गया है फोन में, प्रोसेसर लगाया गया है MediaTek का हीलियो P22 12 nanometer वाला, तो ये वर्क करेगा 2.0 GHz पर, ऑक्टाकोर प्रोसेसर दिया गया है, तो काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है इस प्राइस रेंज के हिसाब से, डिसेंट सा प्रोसेसर है। फ़ोन में काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, नाइट शील्ड मिल जाती है, आई प्रोटेक्शन मिल जाती है, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं इस फोन में। फ़ोन में एक ऑप्शन ऐसा मिलता है जो कि इस प्राइस रेंज में आपको देखने को नहीं मिलता, थीम स्टोर मिलेगी इसमें, आप काफ़ी सारी थीम्स जो हैं वो चेंज कर सकते हैं। फोन में हाइट दी गई 154.3mm, विड्थ दी गई मीन्स चौड़ाई 73.7mm एंड इस फोन में थिकनेस जो दी गई मीन्स मोटाई 8.5mm मोटाई दी गई, तो काफ़ी मोटाई वाला फ़ोन है। वेट इस फोन का दिया गया है 166 ग्राम। साइज इस फोन का काफ़ी कंफर्ट सा दिया गया है, बहुत ही अच्छा कम्पैक्ट साइज दिया गया है। फोन का फेस ID टेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं फास्ट है या नहीं। तो ये फ़ोन आप देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी फास्ट वर्क है, फेस ID का वर्क जो है वो काफ़ी अच्छा दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं।
वीडियो रेजोल्यूशन इस फोन में मिल जाती है 720 इंटू 1520 पिक्सल। तो फुल एचडी प्लस डिस्प्ले नहीं है इस फोन में, एचडी प्लस डिस्प्ले दिया गया है। एंड पिक्सल डेंसिटी इस फोन में मिलती है 282 पीपीआई। कैमरा की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर कैमरा में आपको फोटो मोड मिलेगा, पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन भी मिल जाता है, ब्यूटी मोड भी मिल जाता है, ब्यूटी आप कम और ज्यादा कर सकते हैं। एंड उसके बाद वीडियो मोड भी मिलता है, तो लाइव फोटो आपको दिखाएंगे यहाँ पर, देखेंगे रिजल्ट। एंड सैंपल्स भी काफी मेरे पास अवेलेबल हैं, तो लाइव फोटो में आप जूम करके देख सकते हैं यहाँ पर रिजल्ट। आपको प्राइस रेंज के हिसाब से अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, अदरवाइज काफ़ी फिटफाट है ये फ़ोन। एंड सैंपल्स में आप देख सकते हैं मैंने क्लियरली काफ़ी सारे सैंपल्स लिए हैं, तो आप डिसाइड कर सकते हैं ये फ़ोन जो है प्राइस रेंज के हिसाब से। डिटेल में नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ पर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा प्राइस रेंज के हिसाब से। आपको ज़्यादा वाइटनेस देखने को नहीं मिलेगी, ठीक रिजल्ट मिलेगा। बैक कैमरा का रिजल्ट पोर्ट्रेट मोड में भी अवेलेबल है, काफ़ी सारे सैंपल्स हैं। तो फ्रंट कैमरा की बात करें 5 मेगापिक्सल है दोस्तों, लेकिन गुजारा कर ही जाएगा। यहाँ पर 5 मेगापिक्सल का रिजल्ट भी आपको ठीक ही मिलेगा, 8 मेगापिक्सल रिजल्ट होता तो काफ़ी अच्छा हो जाता। यहाँ पर आपको नॉर्मल सा रिजल्ट देखने को मिलेगा फ्रंट कैमरा का, फिर भी ठीक ही है। दोस्तों लास्ट में बात आ जाती है रिकमेंडेशन की, तो यहाँ पर इस फोन में काफ़ी अच्छे पॉइंट भी मुझे लगे एंड इस फोन में नेगेटिव पॉइंट भी मुझे लगे। पॉजिटिव पॉइंट, इस फोन में कलर ओएस 6 दिया गया है, 3 GB रैम एंड 32 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ 21,000 में अच्छा वेरिएंट दिया गया है। प्रोसेसर इस फोन में काफ़ी अच्छा लगाया गया है, लुक एंड डिज़ाइन भी अच्छी दी गई है। तो यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट इस फोन में फिंगरप्रिंट इस फोन में नहीं दिया गया। एंड इस फोन में फ्रंट कैमरा जो है वो 5 मेगापिक्सल का लगाया गया, ये भी थोड़ा अच्छा हो जाता अगर बेहतर कैमरा लगा देते। एंड बैक कैमरा का अपर्चर जो है वो कम कर देते तो रिजल्ट और ज़्यादा बेहतर हो जाता। प्राइस रेंज के हिसाब से इससे बेहतर आपको रियलमी 3 मिल जाता है, तो अगर आप ये फ़ोन लेना चाहते हैं तो इस प्राइस रेंज में ये भी ठीक है, लेकिन Realme 3 आपको इससे बेस्ट लगेगा फोन। फोन के बारे में आपको क्या अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।